तो गाइज यहाँ पर मैं आप लोगों को एक फ़ोटो दिखा दे रहा हूँ, नॉर्मल सा फ़ोटो है, ठीक है। इसको मैं पासपोर्ट साइज फ़ोटो आप लोगों को बनाना सिखाऊंगा मोबाइल फ़ोन से, बहुत ही आसान और सिंपल तरीका से। तो आप लोग बैक आ जाएंगे, बैक आ जाने के बाद आप लोगों को गूगल में आ जाना है, डाटा ऑन करके यहाँ पर आप लोगों को लिखना है रिमूव बीजी। तो देख सकते हैं इस तरह से लिखिएगा रिमूव बीजी और सर्च कीजिएगा। जैसे सर्च कीजिएगा गाइज, यहाँ पर पहला वाला वेबसाइट मिलेगा आप लोगों को, इसमें आप लोगों को क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक कर लीजिएगा अगला पेज खुल के आ जाएगा इस तरह से। उसके बाद नीचे देख सकते हैं अपलोड इमेज का ऑप्शन आ सारा, उसी में आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कर लीजिएगा गैलरी खुल के आ जाएगा, यहाँ से आप लोगों को उस फोटो को सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से प्रोसेसिंग लेगा और यहाँ पर आप लोगों का बैकग्राउंड इरेज होके यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर बैकग्राउंड इरेज हो गया, उसके बाद इसका अभी क्या कीजिएगा, यहाँ पर एडिट वाला ऑप्शन मिलेगा, इसमें आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसका बैकग्राउंड को आप लोगों को कलर कर लेना है, कौन सा कलर आप लोग बैकग्राउंड में रखना चाहते हैं पासपोर्ट वाला। नीचे में देखिए बहुत सारा कलर मिलेगा, फिल्टर वाला कलर, तो इसको आप लोग क्लिक कर करके देख लीजिएगा, जो अच्छा कलर लग रहा है आप लोग बैकग्राउंड में लगाना चाहते हैं उसको आप लोग सेलेक्ट करना है। जैसे मैं इसको रखना चाहता हूँ इसको रख लेता हूँ, और ऊपर में देख सकते हैं सेव वाला ऑप्शन है, इसमें क्लिक करना है। और नीचे में देख सकते हैं डाउनलोड इमेज का ऑप्शन, इसमें आप लोगों को क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक कर लीजिएगा तो आपका गैलरी में सेव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अभी आ जाएंगे आप लोग पिक्सेल लैब एप्लीकेशन में, देख सकते हैं एक गूगल प्ले स्टोर से बहुत ही आसानी से मिल जाता है, ओपन हो जाएगा इस तरह से। ओपन हो जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले थ्री डॉट में आना है, आने के बाद इमेज साइज में आना है, और कौन सा साइज में आप लोग पासपोर्ट फोटो निकालना चाहते हैं उस साइज में आप लोगों को करना है। तो यहाँ पर मैं पासपोर्ट साइज फोटो 4x6 में निकालना चाहता हूँ, तो आप लोग भी इस तरह से 4x6 कीजिएगा तो पेपर साइज आपका रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को ब्लैक एंड व्हाइट करने के लिए कलर में क्लिक करना है, ब्लैक एंड व्हाइट कर लीजिएगा पेपर को इस तरह से, उसके बाद ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद ऊपर में देख सकते प्लस वाला चिन्ह दिख रहा है, इसमें क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी में क्लिक करना है, उसके बाद उस फोटो को ले लेना है जिस फोटो का बैकग्राउंड आप लोग चेंज किए थे, इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर अभी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेम दिया हुआ नीचे बहुत सारा, तो ये वाला फ्रेम आप लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा 3.4, ठीक है। इस तरह से कीजिएगा और उसके बाद क्रॉप कर लेना है थोड़ा थोड़ा दबा के, जहाँ जहाँ से आपको रखना है पासपोर्ट साइज फोटो, क्रॉपिंग इस तरह से कर लेना है, जैसे भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कर ले रहा हूँ इस तरह से, उसके बाद मैं ओके कर दूंगा। तो देख सकते हैं मैं ओके कर दिया, तो देख सकते हैं पासपोर्ट साइज का यहाँ पर साइज हो गया है। उसके बाद यहाँ पर स्ट्रोक वाला एक ऑप्शन मिलेगा, ये वाला स्ट्रोक वाला में क्लिक करना है, इसको आप लोगों को ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को कोई भी कलर आप लोगों को बॉर्डर लगा देना है, ठीक है, राउंडिंग बॉर्डर इस तरह से लगा लीजिएगा। उसके बाद देख सकते हैं आप लोगों का यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है पासपोर्ट साइज फ़ोटो। उसके बाद इसको कितना कॉपी निकालना चाहते हैं, ऊपर में देखिए एक ऑप्शन, इसमें क्लिक जैसे कीजिएगा आप लोगों का इस तरह से ग्राफिंग आ जाएगा। अभी इसी बीच में आप लोगों को पासपोर्ट साइज फ़ोटो को रखना है इस तरह से छोटा करके, आप लोगों का साइज इधर उधर नहीं होगा। एक तो आप लोग सेट कर लीजिएगा एक तो डब्बा में, ठीक है, इस तरह से एक कोना में एक डब्बा में सेट कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को अभी कुछ नहीं करना, नीचे कॉपी वाला ऑप्शन दिखेगा उसी में आप लोगों को कॉपी में क्लिक कर देना होगा। देख सकते कॉपी हो गया, अभी अभी कुछ नहीं करना है। इस तरह से आप लोगों को जितना कॉपी निकालना चाहते हैं इस तरह से आप लोगों को खींच खींच के लेके आ जाना है गाइस, ठीक है। कॉपी में दबा देना है, फोटो में क्लिक करना है और कॉपी में दबा देना है, तो इस तरह से कॉपी होते जाएगा और आप लोगों को लगा देना है। तो मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, जितना कॉपी आप लोगों को निकालना है इस तरह से आप लोग सजा लीजिएगा पेपर में 4x6 साइज में, ठीक है। 4x6 साइज में देखिए मैं पूरा निकालना चाहता हूँ तो पूरा सेट कर दूंगा, तो इतना सारा फोटो निकलेगा 4x6 साइज में, इतना हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को इसको सेव करना पड़ेगा, ऊपर में देख सकते हैं सेव वाला ऑप्शन है, इसमें क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर कस्टम में क्लिक करना होगा, उसके बाद नीचे अल्ट्रा में आ जाना है और यहाँ पर सेव टू गैलरी कर दीजिएगा गाइज, तो आपका गैलरी में सेव हो जाएगा, फोटो गैलरी में सेव हो जाएगा। तो चलिए आप लोगों को दिखा देते हैं एक बार किस तरह से सेव हुआ है। उसके बाद अभी आप लोग इसको स्टूडियो ले जाइए और बोलिए कि हमको प्रिंट आउट निकालना है और कुछ नहीं, तो आपका प्रिंट आउट निकल जाएगा, आप घर में कटिंग करके रख सकते हैं, कम खर्चा में हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।